अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चौधरी कलीमुल्ला आपकी खिदमत में एक नए ट्यूटोरियल के साथ हाजिर हैं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को PTCL DSL राउटर को एज ए सिंपल वाईफाई राउटर के तौर पर यूज़ करना सिखाऊंगा। जैसे कि आप जानते हैं कि PTCL राउटर को आमतौर पर हम सिर्फ PTCL DSL के साथ ही यूज़ कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसी कोई बात नहीं है, हम इसे सिंपल DSL राउटर के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। मेरे पास ये एक PTCL DSL राउटर है जिसके आप तस्वीरों में देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हमने DSL पोर्ट को डिसेबल कर दिया है और लैन वन जो है इसको हमने एज ए वैन पोर्ट यानी कि इंटरनेट और सर्वर इनपुट पोर्ट यानी कि जो भी आपका सर्वर प्रोवाइडर है, जो भी आपको PPOE का कनेक्शन इंटरनेट का कनेक्शन फ्राहम करता है, तो वहाँ से जो इनपुट केबल आपके पास घर में आ रही होगी वो यहाँ पे लगेगी। और क्या आपका जो एक्सेस पॉइंट है यानी कि वाईफाई से जो सिग्नल ले रहा है तो उससे जो केबल आएगी वो आपके यानी कि लैन वन यानी कि जो आपका एज ए वैन है इसमें लगेगी, और बाकी ये जो लैन टू, लैन थ्री और लैन फोर है इसको हम लैन पोर्ट ही रहने देंगे, यानी कि इसके ज़रिए हम अपने लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह को इसके साथ अटैच कर सकते हैं, और इसके साथ साथ हम इसकी वाईफाई भी यूज़ करेंगे यानी कि वाईफाई के ज़रिए भी बाकी डिवाइसेस हम इसके साथ अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि DSL की पोर्ट को डिसेबल कर दिया गया है, लैन वन को एज ए वैन के तौर पर और बाकी जो लैन है उसे सेम टू सेम रहने दिया गया है। ये आप बाकी रूटर की तस्वीरें हैं और आप इसको एज ए इसी तरह यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक TP-Link का राउटर है, TLWR740 यानी कि 740, जो कि मार्केट में जिसकी कीमत लगभग 1200 से 1400 रुपये है। तो आप 1200 से 1400 रुपये की बचत कर सकते हैं अपने पुराने PTCL राउटर को आप एज ए सिंपल राउटर के तौर पर यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम बाकी पेज पे चलते हैं और यहाँ पे हम इसकी ब्राउज़र पे हम राउटर को अटैच करते हैं, IP देंगे 192.168.1.1। यहाँ पे हम इसका यूज़र नेम देंगे एडमिन और यहाँ पे हम इसका पासवर्ड देंगे जो भी आपके राउटर का पासवर्ड होगा, ज़्यादातर एडमिन एडमिन भी होता है, लेकिन आजकल कुछ राउटर में PTCL के राउटर में कंपनी अपनी तरफ से कोई ना कोई पासवर्ड डाल देती है। तो सबसे पहले मैं आपको डिवाइस इंफॉर्मेशन में लेके चलता हूँ ताकि आप देख सकें कि हमारे पास कोई डिफ़ॉल्ट गेटवे नहीं आ रहा, कोई प्राइमरी DNS नहीं, कोई सेकेंडरी DNS नहीं, यानी कि जो हमारा राउटर है वो रीसेट है, यानी कि इसमें किसी किस्म का कोई कनेक्शन नहीं आ रहा। तो हम सबसे पहले इसके एडवांस सेटअप में जाते हैं, वहाँ पे हम लेयर टू इंटरफेस में जाएंगे और वहाँ पे एक ATM इंटरफेस है, हम ETH इंटरफेस यानी कि इंटरनेट इंटरफेस में जाएंगे। और दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको तस्वीर में पीछे बताया था कि हम लैन वन को एज ए वैन यूज़ करेंगे और बाकियों को लैन टू, लैन थ्री और लैन फोर को वैसे ही लैन के तौर पर रहने देंगे। सिर्फ वैन हम बनाएंगे लैन वन वाले को एज ए वैन की पोर्ट यानी कि इनपुट, जो भी आपका एक्सेस पॉइंट वाईफाई एक्सेस पॉइंट से या जो आपके केबल आपके घर में आ रही है इंटरनेट की वो जहाँ पे लगेगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे चार ऑप्शन है, यानी कि ये ज़ीरो असल में लैन वन यानी कि एज ए वैन को शो कर रहा है और बाकी ये जो है ये आपके लैन पोर्ट्स हैं। ये लैन टू जो है यहाँ पे वन शो हो रहा है और थ्री जो है टू और जो फोर है लैन वो आपका यहाँ पे थ्री शो हो रहा है, और आपका जो लैन वन है एज ए यानी कि जो हमने वैन यूज करना है इनपुट के तौर पर ये ज़ीरो ज़ीरो है। तो हम इसको अप्लाई सेव कर देंगे।
इसके बाद हम वैन सर्विस में जाएंगे और यहाँ पे हम अपना, हाँ यहाँ पे भी हम उसी को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि ये हमारा एज ए वैन है, तो बाकी भी यहाँ पे ऑप्शन है लेकिन ये हमारे मुतलका नहीं है। तो हम यहाँ पे एज ए, यहाँ पे जो आपका PPOE यूज़र नेम और पासवर्ड आपको कंपनी प्रोवाइड करेगी, आपकी मुतलका कंपनी वाईफाई कंपनी, तो आप सर्वर का यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पे लगाएंगे। मुझे मेरा जो है वो KU है और पासवर्ड जो भी आपका हो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एक ख्याल रखना है कि इसे एनेबल पे टिक लगा देनी है और ये ब्रिज PPO पे भी आपने टिक लगा देनी है। अगर इन पे आप ऐसा नहीं करेंगे, इन्हें एनेबल नहीं करेंगे, तो आपका नेट तो आपके सिस्टम में चलेगा लेकिन वो आप सिर्फ रूटर के अंदर ही देखेंगे कि वो चल रहा है लेकिन आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे और अप्लाई सेव कर देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा नेट अभी तक नहीं चल रहा। तो जैसे ही हम इसको अप्लाई सेव करेंगे तो आप देखेंगे कि थोड़ी देर में हमारा नेट यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए हमारे यहाँ पे सर्वर का नेम भी आ चुका है, PPOE जो कि हमारा सर्वर प्रोवाइडर ने की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। और उसके बाद ये प्राइमरी DNS है और ये सेकेंडरी DNS है सर्वर का। आप देख रहे हैं यहाँ पे भी इंटरनेट इंटरनेट शो हो चुका है और यहाँ पे भी आपका इंटरनेट शो हो चुका है। तो दोस्तों ये एक छोटा सा ट्यूटोरियल था जिसके ज़रिए आप अपने पुराने या फालतू पड़े DSL रूटर को एज ए सिंपल राउटर के तौर पर, वाईफाई राउटर के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। इसके साथ ही चौधरी कलीम उल्लाह को इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी और अच्छे ट्यूटोरियल के साथ आपके सामने पेश होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।